रामू तीसरा और आखिरी पटियाला, ये रहा आपका पैक, इसके साथ ये आपका सिगार और आपका बिल। अब तो तुम्हें मेरी हर चीज बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गई, क्या चाहिए और कब चाहिए। गुड, हमारा तो काम ही है आपका ख्याल रखना। अब आप इतने सालों से आ रहे हैं, इसी टेबल पर बैठते हैं, हमेशा की तरह तीन पटियाला पैक पीते हैं, फिर सिगार, फिर आपका बिल। मरने वाले का नाम कर्नल सिंगल है, मिलिट्री में बड़ा अफसर था, यहां से अपने को अच्छी और नई जूती चोरी करने वाले से मिले। आप लोग साहब के स्वागत से आए हो? हाँ भाई, कर्नल साहब की मौत की खबर सुनकर आए हैं, बहुत अच्छे इंसान थे वो, कैसे हो गया ये सब? सब मालिक की मर्जी है साहब। हम उनके बटालियन में थे, ये सब कैसे हो गया भैया? अरे हमारे कर्नल साहब तो बहुत ही हेल्दी थे। आखिर कौन मार सकता है हमारे भाई साहब को और क्यों?
ये सब कैसे हुआ? हमारे भाई साहब का कत्ल किसने किया, कुछ पता चला? बाहर से निकलने के बाद किसी ने उन्हें चाकू मार दिया। पर्स गायब था, इसका मतलब साफ है खून पैसे चोरी करने के मकसद से किया गया था। चोरी? हाँ, भाई साहब के पर्स में बहुत पैसे होते थे। अरे कर्नल साहब, अरे सर का गया, कर्नल साहब क्या होगा हमारे साहब को? फॉरन के जूतों के अपने को 500 रुपए तो मिलेंगे। और ये जो लेदर के जूते हैं ना, इनकी हालत थोड़ी ठीक लग रही है, इनके कम से कम 300 रुपए। और ये जो हाथ के बने हुए सैंडल हैं, इनके कम से कम 200। यानी कि कुल मिलाकर के वो चोर बाजार वाला राका इन सब के अपने को 2500 रुपए तो देगा ही देगा। क्या कहता है? सही कहता तू जय, सही कहता है जय। मैं तो कहता हूँ आज के लिए बहुत है, आज के दिन हमें किसी दूसरे के चौथे में जाने की जरूरत नहीं है। और जय वैसे भी यार रोना बहुत पड़ता है, रो रो के गला खराब हो गया मेरा। है साला नौटंकी। ओए ओए ओए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। और राजन ये जूते जबरदस्त दिखते हैं ना? हाँ यार, लगता है मेरी साइज के। हाँ, 8 नंबर। यार राजन, ये जूते मैं रख लेता हूँ। यार हम हर रोज जूता चप्पल चोरी करते हैं, लेकिन खुद देख कैसी फटी हुई चप्पल पहनते हैं। यार ये जूते मैं रख लेता हूँ। हाँ यार, मेरा दिल आ गया इन पर। अबे यार, हम लोग जूते बेचने के लिए चुराते हैं, पहनने के लिए नहीं। अरे यार राजन, एक रख भी लिया तो क्या होगा? क्या रो रहे हो? नहीं रोना नहीं, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगा, एकदम पॉलिश मार के चमका के। आज से ये जूते तेरे। क्या हुआ आंटी, क्या हुआ नायक अंकल? बेटी मेरे जूते किसी ने चुरा लिए। जूते चोरी हो गए? हाँ। ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो सब अपने लोग हैं। मैंने ऐसी चोरियों के बारे में कई बार सुना है, चोर रिश्तेदार या दोस्त बनकर आते हैं और जूते चुरा कर चले जाते हैं, ऐसे मौके पर चोरी करते हुए शर्म भी नहीं आती है उन्हें। अरे भाई साहब, के जूते कहाँ गए? मैंने यही तो रखे थे, न जाने कहाँ गए। क्या हुआ बेटी? लगता है भाई साहब के जूते चोरी हो गए। क्या? हाँ, जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन उन्होंने वही जूते पहने थे और मैंने यही रखे थे, मगर अब वो यहाँ नहीं है, न जाने कौन ले गया होगा।
क्या हुआ, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? वहां कोई खड़ा हुआ थे? कोई नहीं खड़ा है वहां। यहाँ कोई खड़ा हुआ था, आपने को घूर रहा था? हमें घूर रहा था। एक मिनट, आप बता हम दोनों को कौन घूर रहा था और वो आदमी कहाँ था? अरे यार वो यहाँ खड़ा हुआ था, मेरा यकीन करो, उसकी एक हाथ में छड़ी थी, उसकी एक हाथ बंद थी। यहाँ तो सिर्फ जूते पड़े हैं। यार वो यही खड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दरवाजा बंद है, अंदर कौन कैसे आ सकता है? यार वो यही खड़ा हुआ था राजन। लगता है तुझे सपना आया है, सुबह राका के पास जाना जूते लेके। अभी चलेगा चोर बाजार। हाँ चलो चलो। हाँ मैं कर में नहीं बैठा। अजीब आदमी है, एक मिनट पहले ठीक था, अब अचानक आवाज बदल गई, लंगड़ा कर चलने लगा और एक आंख भी बंद कर ली। बेवड़ा लगता है साला। शराब लेके आओ जो मैं हमेशा पीता हूँ। जो हमेशा पीते हैं? पर आप है कौन? मैंने तो पहले कभी आपको याद नहीं देखा। बेवकूफ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं सालों से यहाँ आता हूँ और इसी टेबल पे बैठ के शराब पीता हूँ और तू कहता कि तूने मुझे कभी नहीं देखा। जाओ मेरे लिए एक पटियाला लेके आओ और साथ में एक सिगार भी। जाओ जाओ। अरे ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे घूर क्या रहा? माफ करना साहब, दरअसल आप जिस तरह से चलकर आ रहे थे और आपकी आवाज और वो आपकी आंख बिल्कुल किसी आदमी से मिलती जुलती लग रही है। किससे? कर्नल सिंगल साहब। मैं ही कर्नल हूँ, कर्नल सिंगल, और यहाँ एक खास मकसद से आया हूँ। जाओ। Thank you.
बार में? मैं बार में कैसे आया? ये मैंने रुमाल आँख पे क्यों बांध रखा है? आप खुद ही यहाँ चलकर आए थे, अपने आप को सिंगल साहब बता रहे थे। हाँ, और आपने विस्की मांगी थी। विस्की? हाँ, लेकिन मैं तो शराब पीता ही नहीं। पर क्या मैं अपने आप को सिंगल कह रहा था? हाँ। कैसे? नहीं नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब मुझे होश आया तो मैं बाहर में था। हाँ जय, मुझे लगता है गर्मी की वजह से तेरी तबीयत खराब हो गई। कल तू कह रहा था कमरे में तूने किसी को देखा, आज तू कह रहा कि पट्टी बांध कर तू बाहर में बैठा हुआ था। अब तू बाहर निकलेगा तो सर पर टोपी पहनकर निकलना, धूप से बचेगा, तेरा सर ठंडा रहेगा, समझा? मैं भी सोने जा रहा हूँ, देख ले कल किस दिन आना। परछाई मेरी नहीं थी, किसी और की थी। किसी और की? हाँ, उसने हाथ में छड़ी पकड़ी थी। मेरा यकीन कर, वो मेरी परछाई नहीं थी। दूसरे की परछाई कैसे हो सकती है जय? जय, मुझे लगता है तेज धूप की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है। अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी हैं तुझे। अभी जाके तू सो जा, अगर कल तक तेरी तबीयत ऐसी रही तो मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आज तो तेरी तबीयत ठीक है। हाँ यार, चक्कर भी नहीं आ रहे और सिर भी हल्का लग रहा है। चलो अच्छी बात है, इसका मतलब हम चार जगह जा सकते हैं। देख, चार मौतें पहले जाएंगे पालीना का, वहाँ किसी सीरियल की डायरेक्टर की मौत होगी, एक्टर बन के घुस जाएंगे। वहाँ तो खूब सारे एक्टर और प्रोड्यूसर जमा होंगे, वहाँ अपने को नए और अच्छे जूते चोरी करने को मिल सकते हैं। ठीक कहा तूने, मैं सिगरेट लेके आता हूँ, दो मिनट रुक। बस टैक्सी। गौर से देखो, मैं सिंघल हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे बड़े भाई साहब की तो मौत हो चुकी है, और तुम कौन? मैं? तू यहाँ क्या कर रहा? चल यहाँ से। भाई साहब, मेरे दोस्त की तबीयत खराब है। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। मैं कर्नल सिंघल हूँ, इन दोनों का बड़ा भाई ये मेरा है। मैं तुम्हें नहीं जानता, छोड़ो मुझे। मुझे नहीं जानता यार आनंद, मैं जानता हूँ। मैं जमीन, मैं कर्नल सिंगल हूँ, छोड़ो मुझे। नहीं जानता मैं, मुझे नहीं जानता, मैं कर्नल सिंगल हूँ।
ये वही कनाडा जहाँ से हम लोग मिले थे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। भाई साहब माफ कीजिएगा, इसकी तबीयत खराब है। तू चल मेरे साथ। लेकिन यार इसकी आँख की पट्टी और इसकी आवाज बिल्कुल भाई साहब की तरह है। अपन ने जी इसी घर से चोरी की थी। हाँ, इसी घर से चोरी की थी, लेकिन तो कर क्या रहा है? अगर उन लोगों ने हमें पहचान लिया होता तो पकड़ जाते। क्या करने आता तू यहाँ पे? यार मुझे क्या हो रहा है, लगता है जैसे कोई चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे कदम जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं सब रोक ही नहीं पाया यार, मेरे कदम अपन ने जूते इसी घर से चोरी किए थे ना। ये घर सिंगल का है ना, सिंगल की एक आंख बंद थी ना, लग रहा है चलता था ना। यार मैंने जब से जूते चोरी किए मेरे साथ अजीब अजीब सी हरकतें हो रही है यार। मैं अपने आप को सिंगल समझने लगा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, बाहर भी, घर में, अपना नाम सिंगल बताता हूँ। मुझे लगता है कि ये सब इन जूतों की वजह से हो रहा है। मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है, अपने को इन जूतों को जल्दी कुछ करना पड़ेगा राजन। सच भाई, मैंने मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है? कहाँ कहाँ देखा है? नहीं, याद नहीं आ रहा। नहीं भाई साहब, आपको गलती हो रही है, आपने हमें कभी नहीं देखा है। नहीं नहीं, मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है? आपको गलती हो रही है भाई साहब। देखो सुखराम, ये लोग कौन है? देखो जरा। जय, कोई ठीक सी जगह देखकर इन जूतों को यहाँ फेंक दे। ये जगह ठीक है। यहीं यहीं फेंक देते। तो है जान छूटी, इन्हीं की वजह से इतनी परेशानी हो रही थी यार। अब सब ठीक हो जाएगा। अपने धंधे पर लगते आज की आफत मोल लिया अपन ने भी। जूते थे की आफत। काम तमाम हो गया, उन जूतों से तो पीछा छूट गया। अब कल से अपने काम पर लग जाना है। सबक मिल गया, चुराए हुए जूते कभी नहीं पहनना, समझा? तौबा कर लो भैया, तौबा। अच्छा, ये आवाज कहां से आ रही है? सिंगल होना
ही सिंघल हूं। लेकिन तुम तो मर चुके हो। हाँ मैं मर चुका हूँ। तो तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अब तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता लगाना होगा कि मुझे किसने मारा है, उसको सजा दिलानी होगी। जब तक ऐसा नहीं होता मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। लेकिन हम तो जूते चप्पल चोरी करने वाले चोर हैं, हमको पुलिस तोड़ाई है, हम कहां से कातिल को ढूंढेंगे? जय, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना सिंगल हमें चैन से जीने नहीं देगा। भाई साहब सच कहते हैं, हमारा यकीन कीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जूतों में आपके भाई साहब की आत्मा है, मैंने खुद देखी है, और जब तक हम उनके खूनी को ढूंढने निकालते सिंगल साहब की आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी। हाँ भाई साहब सच कह रहा है, जूते पहनने के बाद ना जाने से क्या हो जाता है, कहीं भी जाता अपने आप को सिंगल बताता है, बार में घर में कहीं भी, और जब इसे होश आता है तो कुछ याद नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। तुम दोनों क्या समझते हो कि तुम दोनों की इस बेतुकी कहानी पर मैं यकीन कर लूंगा? हैं? पागल समझा है मुझे? सुजी, हो सकता है ये सच कह रहा, क्योंकि भाई साहब के जूते पहनने के बाद ये उसी बार में चला गया जिसके बाहर भाई साहब का खून हुआ था। ये तुम क्या बात कर रही हो ममता, इन चोरों की बात तुम्हें बताना, छोटी मोटी चोरियां करके कभी नहीं मरा, तब ये कहानी सुनाकर हमसे पैसा रखना चाहते। और तुम वैसे घूर क्या रहा है मेरी तरफ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हम यहाँ ये सोच कर आए थे कि आप अपने भाई साहब के खूनी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे, लेकिन आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है, तो ठीक है अब हमें कोई रास्ता ढूंढ निकालना होगा। कौन सा रास्ता ढूंढेंगे आप? कुछ तो करना होगा, वरना हम चैन से जी नहीं सकेंगे। अब उस खूनी को ढूंढने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं ये जूते फिर से पहनूंगा। नहीं जय, नहीं राजन, जय नहीं, नहीं राजन, यही करना होगा। तुम्हें मालूम है ना उस आत्मा ने कहा था कि वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। अब मैं ये जूते पहनूंगा, मुझे यकीन है कि ये जूते मुझे खूनी तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। नहीं राजन, हमारे पास यही एक रास्ता है, ये जूते ही मुझे खूनी तक पहुंचा सकते हैं। देखिए लग रहा है, इसकी आंख देखो, और ये चल भी वैसे ही रहा है। अरे इसे कैसे मालूम कि भाई साहब का आईपैड जो ड्रॉवर में रखा है? Thank you.
रामू हाँ बाप, आप तो पहले भी यहाँ आए थे, क्या चाहिए आपको? मैं सिंगल हूँ, सालों से यहाँ आ रहा हूँ, जाओ मेरे लिए 3 पटियाला पैग लेके आओ। नहीं, ये सिंगल नहीं हो सकता, वो तो मारा जा चुका है, लेकिन ये चलता बिल्कुल वैसा ही है, और उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही है। ये नहीं हो सकता। ले लीजिए साहब आपके 3। रामू याद नहीं, ये तीसरा और आखिरी पैग है, जाओ बिल और सिगार लेकर आओ। जी सर। क्यों तुम सब लोग चुप क्यों हो? हैरान हो ना मुझे देखकर, समझते थे कि मैं तो मर चुका, लेकिन अब वापिस आ गया हूं। बस शरीर किसी दूसरे का है लेकिन आत्मा वही है, और मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। पिछली बार मैं जब यहां आया था तो किसी ने मेरा पीछा करने के बाद मेरा खून कर दिया था, और इस बार मैं यही पता करने के लिए आया हूं कि वो खूनी कौन है। खूनी अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन वो मुझसे नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं। खूनी को ढूंढ निकाला है। कौन है वो? ये है, ये जिसने सिंगल साहब का खून किया है, इसका नाम मुन्ना है और कई छोटी मोटी चोरियों में जेल जा चुका है। लगता है इसने पैसे कमाने के लिए खून करना भी शुरू कर दिया। भगवान का शुक्र है जय कि हमें असली कातिल मिल गया, अब हमें सिंगल की आत्मा तंग नहीं करेगी।
कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पुलिस स्टेशन, सिंगल साहब के खून के जुर्म में। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल मैं एक चोर हूँ, तो उस दिन मैंने सिंगल साहब का पीछा जरूर किया था और उनका पर्स भी चुराया था, लेकिन मैंने सिंगल साहब को मारा नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। हाँ, मैंने उनका खून होते हुए देखा था। क्या खून होते हुए देखा था? हाँ, उस रात बार के बाहर मैंने सिंगल साहब का पीछा किया। मैंने सोचा कि आज सारे पैसे निकाल लूंगा, तब तक अचानक देखा कि एक आदमी आकर उनको चाकू मारकर वहां से भाग गया। मैं हैरान हो गया। मैंने देखा कि सिंगल साहब तो मर चुके थे। मैंने उनकी जेब में हाथ डाला, उनका पर्स निकाला और फिर मैं वहां से भाग गया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने खून होते देखा था, लेकिन मैंने खूनी का चेहरा नहीं देखा, बल्कि मैं तो सिंगल साहब को बचाना चाहता था। अगर तुमने खून नहीं किया तो फिर खूनी कौन है? राजन अभी तक टैक्सी लेकर क्यों नहीं आया? ओहो, खूनी तो पकड़ा गया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ बचा है? शायद ये मेरा वहम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। भाई को ही मार डाला? मैंने ही खून किया आपने भाई का। मगर क्यों? क्योंकि जिंदगी भर उसने मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया, एक एक पैसे के लिए तरसाया उसने मुझे। मार दिया मैंने उसे क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती, सिर्फ मेरी। उसका सारा पैसा मेरा हो जाता। पुलिस के हाथों से तो साफ बच गया था मैं, मगर इन चप्पल चोरों की वजह से पकड़ा गया मैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।